तो ये खाली विराट कोहली ही सिर्फ 20 करोड़ रुपए में, सोचिए 20 करोड़। और यहाँ बाबर आजम को आप पूछे तो वो मेरा ख्याल है कि वो 2-4 लाख में ही होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हम उनको देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। और मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो क्रिकेट IPL है वो पाकिस्तान में भी दिखाई जाए। और पिछले लास्ट 4-5 सालों से नहीं चल रही है, जो बच्चे महरूम हैं, बड़े बड़े प्लेयरों को देखते हैं, अपने स्टार्स, अपने जो जिनको बंदा फॉलो कर रहा था उनको देख सकता है बंदा। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों BCCI ने IPL के लिए दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर खरीदे हैं, और इसे देखने के बाद पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम की जो कीमत है वो मात्र 1-2 लाख रुपए ही है। IPL की आज ऑक्शन हो रही है, सैम करन इंग्लैंड का प्लेयर है, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। IPL के अंदर कितने करोड़ का बिका हो, कोई अंदाजा है आपको, कोई तुक्का शुक्का? Like in dollars or in like? नहीं, करेंसी के अंदर। हमारा करेंसी में like मे भी 3-4 करोड़। 3-4 करोड़ बड़ी अमाउंट बताइए सर, इतने में तो इसको कहते हैं हमारा प्लेटिनम में प्लेट बिकता है। नहीं सही है, इतने इतने तक तो वो आया होगा। 3 करोड़। मेरे प्यारे भाई सैम करन, अगर हम बात करें IPL की इंडियन करेंसी के अंदर, तो 18 करोड़ 50 लाख का बिजनेस। ओह नाइस, 18 करोड़ 50 लाख का बिजनेस, तो हम कहाँ जा रहे हो। अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो 50 करोड़ से ज्यादा बन जाती है अमाउंट। Like 50 करोड़, अब आपके पास 50 करोड़ आ गए तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, पहले तो आए फिर हम देखेंगे क्या करना है। नहीं यार, सोचा क्या करो ना, 50 करोड़ आगे। बेन स्टोक की बात करें, आपने कहा 6 करोड़, आपने बड़े ज्यादा पैसे लगाए, लेकिन वो भी 16 करोड़ 25 लाख का बिका है। ओके 16 करोड़ 25 लाख। हैडी ब्रुक जिसका आपने कहा 2 करोड़, PSL के अंदर आपने कहा कि वो इतने का है तो 2 करोड़ में बिका होगा IPL के अंदर, वो 13 करोड़ का बिका IPL के अंदर पाकिस्तानी करेंसी में, 36 करोड़। ओके हमारे प्लेयर को भी इतने पैसे देंगे तो कहाँ PSL खेलने आएंगे वो? नहीं नहीं, पाकिस्तान तो वो जितना पूरा IPL का जो बजट है वो उनका एक प्लेयर ही आएगा सिर्फ यहाँ पे। हैडी ब्रोक IPL के। अब हाल ही में BCCI और IPL की सभी टीमों ने IPL 2023 के लिए क्रिकेटरों की बोली लगाई, जिसमें इंग्लैंड के सैम करन IPL के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके हैं। सैम करन को 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और ये पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले हैं। इसके बाद कैमरन ग्रीन जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले हैं, इनको 17.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इसके बाद बेन स्टॉक को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है और ये IPL में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलने वाले हैं। खाली विराट कोहली ही सिर्फ 20 करोड़ रुपए में, सोचिए 20 करोड़। और यहाँ बाबर आजम को आप पूछे तो वो मेरा ख्याल है कि वो 2-4 लाख में ही होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मैक्सिमम 10 लाख हो जाएगा, यहाँ 20 लाख हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? एग्जैक्टली, ह्यूज डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर यार हमारे बीच में जो टकराव है ये खत्म करके हम मैचेस कब इकट्ठे खेलेंगे, हमारे प्लेयर्स उधर हो रहे हैं, उनके प्लेयर्स इधर? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, जब तक पाकिस्तान और इंडिया सलामत है तब तक तो ऐसा मुझे पॉसिबल नजर नहीं आता कि ये दोनों फ्रेंडली होके मैच खेलें जिस तरह दूसरी टीमों के साथ मैच खेलते हैं। तो ये तो सियासी मतलब सियासत की तरफ, अगर वो कुछ लोग कर सके पॉसिबिलिटी हो सके, लेकिन ये कि हमारे बस में तो नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये, हाँ किसी और मुल्क में जाके ये लोग खेल सकते हैं तो, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करते हैं सिक्योरिटी हवाले से और मतलब हर चीज़ के हवाले से। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, ग्राउंड फुल होते हैं आवाम के साथ। तो देखिए ना, जिस तरीके से इंडिया अपने IPL को इतना प्रमोट कर रहा है, इतने महंगे मीडिया रेट सेल हुए हैं, हमारा PSL कब तक इस मुकाम पर पहुँचेगा? PSL तो अब देखें, मैं तो IPL को PSL के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि PSL तो अभी अभी है, वो छोटा लीग है, लेकिन कर सकता है मुकाबला। IPL का मुकाबला PSL कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है कि इधर तो अभी वो हमें प्लेयर नहीं देखने को मिले हैं जो उधर IPL में आते हैं। IPL में आप अक्सर देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, हमें देखने को मिला है यहाँ पे। इधर न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी, वो IPL का मैच चल रहे थे तो टीमें यहाँ से वापस चली गई, उधर चले गए हैं। तो ये पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसे आते रहते हैं, प्लेयर उधर चले जाते हैं, उनको पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ पर, यहाँ पे पैसा बहुत कम मिलता है। मेन रीज़न आप ये बता रहे हो कि जो IPL में प्लेयर्स जाते हैं उनको पैसा मिलता है, पैसे के लिए जाते हैं? पैसे के लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है। आप किसी के मुल्क में जाके खेलते हो, उसके मुल्क का नाम रोशन करते हो, देखो नाम तो IPL का रोशन हो रहा है ना, ये तो नहीं हो रहा कि बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, मैक्सिमल आ रहा है, विराट क्या नाम है उसका, और बड़े प्लेयर आ रहे हैं, जैसे प्लाट हो गया, एंड्रयू रसल हो गया इंग्लैंड का, वो वार्नल जैसे प्लेयर जो हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के, इंग्लैंड की टीम के, ये जो प्लेयर होते हैं पैसे कमाने के लिए आते हैं, वो जितना पैसा लेते हैं उतना वो अपना हक अदा। अब BCCI ने तो IPL के लिए प्लेयरों की बोली लगा दी है और प्लेयर खरीद लिए हैं, लेकिन इसे देखने के बाद पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी ज़्यादा खराब लग रहा है।
क्योंकि एक तो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयरों का खेलना मना है, दूसरी बात जो इनके प्लेयरों की कीमत होती है वो भी बिल्कुल घटिया होती है, मात्र 1-2 लाख रुपए। हालांकि अब बीसीसीआई ने अपने आईपीएल के प्लेयरों पर करोड़ों रुपए निछावर कर दिए हैं, और इसे देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।